हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट। ये वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं। तो हमारा फर्स्ट सम है, आर्यन परचेस्ड 3 and 3/4 केजी ऑफ राइस, 6 and 5/8 केजी ऑफ व्हीट एंड 1 and 1/2 केजी ऑफ पल्सेस। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड स्टफ बॉट बाय आर्यन। तो हम इसको देखिए कैसे करेंगे। वेट ऑफ राइस 3 and 3/4 के जी, वेट ऑफ राइस 6 and 5/8 के जी एंड वेट ऑफ पल्सेस 1 and 1/2 के जी। हम इनकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12, 12 में 3 प्लस किए 15/4 के जी। 8 6 are 48, 48 में 5 प्लस किए 53/8 के जी एंड 2 2 1 are 2 एंड 3/2 के जी। अब टोटल वेट ऑफ फूड हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्लस करेंगे। देखिए इनका सम फाइंड करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। ऐसे सम हम प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं, 6th क्लास में भी आपने किए हुए हैं। तो एलसीएम हमारा आया 8। अब हमने इनके डिनोमिनेटर्स 8 के इक्वल करने हैं। तो देखिए 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा। इट मीन्स हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30 प्लस 8 1 are 8, 53 को 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा 53। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 8 होगा। फिर हम न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 are 12। अब हमने 30, 53 और 12 को प्लस कर लेना है। 30 प्लस 53/12, 30 प्लस 53 प्लस 12, तो हमारा आंसर आया 95 and 8। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा आंसर आया 11 and 7/8 के जी। नेक्स्ट है जी सेकेंड पार्ट। अ मैन गेव 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर एंड द रेस्ट टू हिज वाइफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी डिड द वाइफ गेट। तो उन्होंने हमें बताया है कि एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 2/5 हिस्सा अपनी बेटे को दिया, 1/3 हिस्सा अपनी डॉटर को दिया और बाकी का जो हिस्सा बचा उसने उस हिस्से को अपनी वाइफ को दे दिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी डिड हिज वाइफ गेट। तो इसको हम ऐसे करेंगे, टोटल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 1, प्रॉपर्टी गेव टू सन 2/5 एंड प्रॉपर्टी गेव टू डॉटर 1/3, प्रॉपर्टी गेव टू वाइफ। तो हम 1 में से इन दोनों का जो प्लस आएगा, इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे। देखिए ये पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आएगा 15 डिनोमिनेटर्स का। अब हमने डिनोमिनेटर दोनों के 15 के इक्वल कर दिए तो न्यूमरेटर भी चेंज होंगे। 5 के टेबल पे 15 3 नंबर पे जाता है तो 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये 6 प्लस 3 के टेबल पे 15 जाता है 5 पे, 5 1 are 5, हमारा आंसर आएगा 6 plus 5 11/15। अब इन दोनों का जो टोटल आएगा वो 1 में से हम माइनस कर देंगे तो 1 और 15 का जो एलसीएम है वो आएगा 15, हमारा आंसर आएगा 4/15। थर्ड सम है, द प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन इज ₹20 and 3/5 एंड दैट ऑफ द बॉल पेन इज ₹9
and 3 over 4. By how much is the price of the fountain pen more than that of the ball pen? Price of fountain pen हमें बता दिया और price of ball pen. By how much? कि कितना price fountain pen का ball pen से अधिक है. अब हम ये बताएंगे. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन रुपीज़ 20 एंड 3/5. इसको भी मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 25 सर 100 100 प्लस 3 100 3/5. प्राइस ऑफ अ बॉल पेन 9 3/4. 9 4 36 39/4. अब हमने इनका डिफरेंस बताएंगे तो ही पता चलेगा ना हमें कि फाउंटेन पेन की कीमत कितनी ज़्यादा है बॉल पेन से. तो हम इनको माइनस करेंगे. 5 और 4 का पहले एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है. तो आएगा 20. अब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी. फोर के टेबल पे 20 जाता है 5 पे, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई. फोर हंड्रेड 12 में से 195 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7. टू हंड्रेड 17/20. अब इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे. हमारा आंसर आया 10 and 17/20 रुपीस. नेक्स्ट है जी फोर्थ सम. इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट वन ऑफ द 7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, 3/7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश. फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स सोशल स्टडी एंड इंग्लिश. तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे. टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 35 स्टूडेंट्स लाइक मैथमेटिक्स 1/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट. 1/7 इंटू टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 35. 7 1 7 7 5 35. इट मीन्स मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं 5 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स लाइक सोशल स्टडीज 3/7 × 35. 7 5 35 5 3 15 स्टूडेंट्स. हमें कहा है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश. तो 35 में से 5 + 15 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स और वही क्या है जो इंग्लिश लाइक करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फिफ्थ क्वेश्चन. इसमें ट्रीज वर प्लांटेड ऑन वन साइड ऑफ अ रोड एट इक्वल इंटरवल्स. इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रीज बी 2 and 1/3 meter, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ ट्री. क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि 5 ट्रीज हैं वो एक रोड पर इक्वल डिस्टेंस पर लगे हुए हैं और डिस्टेंस कितना है 2 and 1/3. इसकी जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो आएगा 7/3 meter. कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ ट्री. फर्स्ट और फिफ्थ ट्री का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. तो देखिए अगर इसका भी 7/3 meter है तो इन दोनों का भी 7 और इसका और इसका भी 7/3, इसका और इसका भी 7/3 meter है डिस्टेंस. इसके दो मेथड हैं. आप कैसे करोगे देखिए. डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज 2 and 1/3 इज इक्वल टू 7/3 meter. डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ ट्री. तो देखिए इसमें 7/3 4 times आएगा. चाहे तो आप 7/3 + 7/3 + 7/3 + 7/3 भी कर सकते हो इसको निकालने के लिए.
ठीक है जी, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। नाइन एंड वन ओवर थ्री, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सेवन ओवर थ्री इंटू फोर, क्योंकि डिस्टेंस हम फोर टाइम्स काउंट करेंगे ना वन और फिफ्थ के बीच में, तो हमारा आंसर तब भी आएगा 48/3 इज इक्वल्स टू, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। नेक्स्ट सम है जी, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द इट्स पेरीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू 12 1/2 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द पेपर 8 2/3 सेंटीमीटर। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। अब पेरीमीटर ऑफ पेपर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, तो पेरीमीटर ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × L + B, 2 × लेंथ है 25/2, ब्रेड्थ है 26/3। अब देखिए हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 25 को जब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करके आएगा 75। 3 के टेबल पे 6, 2 नंबर पे, 2 को जब हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 52। 75 + 52 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 127/6। ये कट हो जाएंगे आपस में, 2 3 6, अब 127/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। (42 1/3 सेंटीमीटर, ये आ गया जी रेक्टेंगुलर पेपर का पेरीमीटर।